ओके जी, प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं हम। प्रैक्टिकल में हमारे पास टू कंपोनेंट मिक्सचर है। मिक्सचर दिया गया, उसमें से दो कंपोनेंट्स जो हैं, सबसे पहले उन्हें सेपरेट करना है, फिर दोनों कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। दो मेथड्स हैं हमारे पास सेपरेशन के। पहला फिजिकल मेथड है, सेकंड मेथड है केमिकल। फिजिकल मेथड की बात करें तो फिजिकल मेथड में हमने मिक्सचर लेना है जो हमें लैब में गिवन दिया गया है। तो उस मिक्सचर को बीकर में डालना है। बीकर में ऑलरेडी आपके पास डिस्टिल्ड वाटर होगा, रिक्वायर्ड अमाउंट जितनी आप मुनासिब समझे ले लें। उधर उसमें डालें मिक्सचर। मिक्सचर डालने के बाद उसे सॉल्युबल करने की या डिजॉल्व करने की कोशिश करें। होपफुली ये कंपोनेंट डिजॉल्व हो जाएगा, दूसरा रह जाएगा, या दोनों डिजॉल्व हो जाएंगे। आपकी सारी सारा जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स जो है फिजिकल मेथड से ही मे बी सेपरेट आउट हो जाए। अदरवाइज क्या होता है कि एक कंपोनेंट डिजॉल्व हो जाता है, बाद का दूसरा नहीं होता। तो आपने क्या करना है, अगर तो इजीली डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्यूबल हो गए, दोनों कंपोनेंट डिजॉल्व हो गए, आपको लग रहा है कि डिजॉल्व हो गए, तो फिल्टर करके आपने कंपोनेंट सेपरेट आउट कर लेने हैं। दूसरा ये है कि आपने क्या करना है, अगर ये डिस्टिल्ड वाटर में नहीं इस तरह सॉल्यूबल या डिजॉल्व हो रहा है, तो आपने उसे हीट करना है, ट्राइपोड स्टैंड लगाना है, बर्नर पे फिक्स करके उसे हीट करना है, तो वार्म वाटर में डिजॉल्व करने की कोशिश करनी, होपफुली यहाँ पर डिजॉल्व हो जाएंगे। तो आपने फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद एक रेजिड्यू होगा, एक फिल्ट्रेट होगा। जो फिल्ट्रेट होगा उसे आपने वेपोरेट करके जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो कंपोनेंट बी होगा, जो रेजिड्यू होगा वो कंपोनेंट ए होगा। अगर तो फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट आउट हो रहा है, तो फिर आपने केमिकल मेथड की तरफ जाना है। केमिकल मेथड में क्या करते हैं, हम सोडियम बाइकार्बोनेट का सेचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करते हैं बीकर में। करने के बाद इसमें मिक्सचर डालते हैं, उसे डिजॉल्व करते हैं। मिक्सचर को डिजॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि कंपोनेंट डिजॉल्व हो गए दोनों या रह गए। अगर तो कोई खास रिजल्ट नहीं आया, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं। होपफुली यहाँ पर भी एक आध कंपोनेंट जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। इसे जब फिल्टर करते हैं तो एक रेजिड्यू बन जाता है और दूसरा फिल्ट्रेट। रेजिड्यू को हम क्या करते हैं, रेजिड्यू ऊपर जो फिल्टर पेपर के ऊपर आता है उसे ओवन ड्राई कर लेते हैं, तो वो हमारे पास कंपोनेंट ए बन जाता है। दूसरा कंपोनेंट जो होता है हमारे पास वो होता है फिल्ट्रेट। उस फिल्ट्रेट को क्या करना है, फिल्ट्रेट को एसिडिफाई करना है, डाइल्यूट एसिड लेना है, HCl ले लें आप, उसे लेने उसे डालना है थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट में, जब तक कि प्रेसिपिटेट्स ना बन जाए, आहिस्ता आहिस्ता डालते रहे। देखें जब प्रेसिपिटेट फिल्ट्रेट में बन गए हैं तो उसको फिल्टर आउट कर लें। जो प्रेसिपिटेट्स होंगे वो आपके कंपोनेंट बी कहलाएंगे, यानी कि आपको कंपोनेंट बी भी सेपरेट आउट हो जाएगा। अब है आइडेंटिफिकेशन, दोनों कंपोनेंट सेपरेट कर लिए दोनों मेथड से, फिजिकल मेथड से और केमिकल मेथड से। तो कंपोनेंट ए जो है इसको आइडेंटिफाई करना है, इसकी फिजिकल स्टेट देख लेनी। फिजिकल टेस्ट में, फिजिकल स्टेट में क्या है, सॉलिड है कंपोनेंट ए, क्रिस्टल है। इसका मतलब कि कोई भी कंपाउंड हो सकता है। सॉलिड क्रिस्टल्स तो बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसके बाद आटर चेक करना है, स्वीट एंड प्लीजेंट है, एनी क्लास में भी प्रेजेंट हो सकती है। तो इसका भी कोई क्लू इंडिकेशन नहीं है हमारे पास। इसके बाद कलर चेक करना है, वाइट है, कलरलेस है। ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे जी, ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर स्वीट एंड प्लीजेंट, इसका मतलब कि कोई भी क्लास हो सकती है। फिर कलर की बात कर रहे थे, कलर जो है वाइट हो सकता है, कलरलेस है जो हमने ऑब्जर्व किया। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी क्लास जो है कंपाउंड की प्रेजेंट हो सकती है कोई, यानी कि हमें क्लियर नहीं यहाँ से पता चल रहा। इग्निशन टेस्ट करेंगे तो स्मोकी फ्लेम आएगा, इससे ये क्लू मिल जाएगा कि एरोमेटिक क्लास है या एलिफैटिक है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी टेस्ट होते हैं हमारे पास। कंपाउंड लेंगे अपना, टेस्ट ट्यूब में पानी डालेंगे, डिस्टिल्ड वाटर, और उसमें थोड़ा सा कंपाउंड माइन्यूट अमाउंट देखेंगे। वो इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब नॉन पोलर कंपाउंड है। अगेन टेस्ट करेंगे और टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें डिस्टिल्ड वाटर सॉरी उसमें डालेंगे 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कंपाउंड की माइन्यूट सी अमाउंट, ये भी इनसॉल्युबल रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एरोमेटिक अमीन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं या नॉन फंक्शनल ग्रुप क्लासेस प्रेजेंट हैं। इनसॉल्युबल थे अब तक, ऑनवर्ड भी इनसॉल्युबल हैं। क्या है, कंपाउंड को ट्रीट करेंगे किसके साथ, 5% HCl के साथ, सेम प्रोसीजर के साथ, तो इनसॉल्युबल रहेगा। इसका मतलब कोई न्यूट्रल क्लास है, स्टार्च हो सकता है, कीटोन या हाइड्रोकार्बन्स वगैरह हो सकते हैं। फिर टेस्ट करेंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड लेंगे, सेम प्रोसीजर है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में डाला, माइन्यूट अमाउंट ऑफ कंपाउंड
कंपोनेंट ए जो हमारे पास है तो ये भी इनसॉल्युबल रहेगा। इसका क्या मतलब कि हाइड्रोकार्बन या नेफ्थलीन वगैरह प्रेजेंट है। इसके बाद ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे जो कि नेगेटिव आएगा, नो कलर चेंज होगा ब्रोमीन वाटर का, इसका मतलब अल्ट्रेशन अब्सेंट है। फार्मालिन टेस्ट करेंगे, इसका ऑब्जर्वेंस आएगी, जो ऑब्जर्व करेंगे वो क्या होगा, डार्क रेड कलर अपियर होगा विदाउट पीपीटी, इसका मतलब नेफ्थलीन इंडिकेटेड है, नेफ्थलीन हो सकती है इसमें से। लिटरेचर सर्वे से हमें ये बात पता चलती है क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद ऑनवर्ड जो है फॉर्मलिन टेस्ट हमने देख लिया, फिर मेल्टिंग पॉइंट करेंगे जो फाइनल हमारे पास एक कंफर्मेटरी होता है कि मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट आ जाएगा तो वही कंपाउंड होगा। मेल्टिंग पॉइंट करेंगे जैसे लैब में उसका फाइंड आउट करेंगे तो नेफ्थलीन जो है कंफर्म हो जाएगी, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके मेल्ट हो जाता है ये कंपाउंड, तो ये नेफ्थलीन होगा। इसके डेरिवेटिव बनाएंगे, मजीद कंफर्मेशन हो जाएगी। डेरिवेटिव में सबसे पहले पिक्रेट्स, पिक्रेट्स का प्रोसीजर क्या, पिक्रेट्स असल में होते क्या हैं, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैं जो रिएक्ट करते हैं पिक्रिक एसिड से तो एडिशनल प्रोडक्ट्स बनती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं पिक्रेट्स। इसका क्या प्रोसीजर होगा, इक्यूमोलर क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि हमारे पास जो कंपोनेंट ए है जिसे हमने नेफ्थलीन कहा वो लेंगे, कितना लेना है हमने 1 ग्राम या, हाँ जी 1 ग्राम लेना है और 1 ग्राम ही पिक्रिक एसिड लेना है, दोनों सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में ले लेने हैं। क्या करना है, डिजॉल्व इक्विवेलेंट क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड पिक्रिक एसिड इन टू सेपरेट सेपरेट टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों में 1 1 ग्राम वो डाल लेना है पिक्रिक एसिड और 1 ग्राम क्या कंपोनेंट ए या नेफ्थलीन जो आपने इंडिकेट कर लिया, फाइनल आपने प्रूव कर लिया। तो उनमें आपके पास टेस्ट ट्यूब में पहले क्या होना चाहिए, 5 ml बॉइलिंग एथनॉल होनी चाहिए दोनों टेस्ट ट्यूब में, बॉइलिंग एथनॉल 1 1 ग्राम पिक्रिक एसिड और दूसरा क्या कंपाउंड। मिक्स करेंगे सोल्यूशन को, जब ये गर्म होंगे और हीट करेंगे 50 से 60 सेंटीग्रेड तक 5 मिनट के लिए, हीट करने के बाद इसे कूल होने के लिए रख देंगे, जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर लूज हो ठंडा हो जाएगा तो फिल्टर कर लेना है पिकरेट्स को और इन्हें वॉश कर लेना है कोल्ड आइस वाटर के साथ, तो ये हमारे पास पिकरेट्स बन जाएंगे। डिस्कशन देख लेते हैं, इसकी डिस्कशन में क्या है, कंपाउंड ने स्मोकी फ्लेम दिया मतलब एरोमेटिक था, सॉल्युबिलिटी टेस्ट सारे नेगेटिव थे इनसॉल्युबल रहे, इसका क्या मतलब है हाइड्रोकार्बन या नेफ्थलीन वगैरह इंडिकेट हुए थे तो नेगेटिव रिजल्ट आया किसका, ब्रोमीन वाटर टेस्ट का रेड कलर विदाउट ब्यूटी ऑब्जर्व हुआ फॉर्मलिन टेस्ट में। कंफर्मेशन के लिए हमने मेल्टिंग पॉइंट किया, मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट में हमारे पास फाइनल जो प्रूव हुआ वो क्या था नेफ्थलीन, डेरिवेटिव बनाए उन्होंने भी कंफर्म कर दिया तो नेफ्थलीन जो है वो कंफर्म हो गया कि कंपोनेंट ए हमारे पास क्या है नेफ्थलीन। कंपोनेंट बी है उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कंपोनेंट बी क्या है हमारे पास, कंपोनेंट बी में फिजिकल टेस्ट करेंगे, उसका फिजिकल टेस्ट में क्या देखेंगे हम, वाइट सॉलिड है ये, इसका मतलब कोई भी कंपाउंड उसका हाइड्रो प्रेजेंट है, मे बी हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, कलर वाइट है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, यहाँ तक हमें कोई फाइनल क्लू नहीं मिला। इनिशियल टेस्ट करेंगे, स्मोकी फ्लेम आया जिसका मतलब एरोमेटिक लॉस हो सकती है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे वाटर के साथ, इसे सॉल्युबल करने की कोशिश करेंगे, डिस्टिल वाटर लेंगे किस में, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कंपाउंड माइन्यूट अमाउंट डाल के उसे सॉल्युबल देखेंगे सॉल्युबल है या नहीं, यहाँ पर पार्सली सॉल्युबल होगा इसका मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड क्लास प्रेजेंट हो सकती है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। इसके बाद कंपाउंड को ट्रीट करेंगे किसके साथ, सॉल्युबिलिटी टेस्ट में 5% सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो सॉल्युबल होगा विद गैस या एफ्लोरेसेंस या गैस एवोल्यूशन, इसका मतलब एरोमेटिक या हाई कार्बोक्सिलिक एसिड या नाइट्रोफिनोल्स वगैरह प्रेजेंट है। FeCl3 टेस्ट करेंगे, बफ कलर्ड पीपीटीज या बफ पीपीटीज जो है वो ऑब्जर्व होंगी, इसका क्या मतलब होगा सक्सेनिक एसिड या बेंजोइक एसिड या एडीपिक एसिड वगैरह हो सकते हैं। जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, फाइनल 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजोइक एसिड कन्फर्म हो जाएगा, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसके भी डेरिवेटिव बना लेंगे अमोनियम साल्ट के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे अपने कंपाउंड को, प्रोसीजर हम देख लेते हैं। 1 ml या 1 ग्राम लेना है हमने एसिड, जो हमारा कंपाउंड अभी यहाँ पर कंपोनेंट बेंजोइक एसिड है ये 1 ग्राम लेना है आपने, किसमें बीकर में कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है आहिस्ता आहिस्ता जब तक के परमानेंट स्मेल आनी शुरू हो जाएगी किसकी NH3 की, एवेपोरेट कर देना है सोल्यूशन को वाच गिलास में जब तक ये ड्राई ना हो जाए सारे का सारा, एक ड्राई सा हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा कंपाउंड। तो रेजिडुअल मास दैट ऑब्टेंड इज अमोनियम साल्ट एट द एंड, तो ये हमारे पास क्या होगा इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। इसके बाद है कंपाउंड जो है डिस्कशन, इसकी भी लिखेंगे कंपाउंड बी की, कंपोनेंट बी की
इसमें कंपाउंड की स्मोकी फ्लेम था, विच मीन्स के ये एरोमेटिक क्लास थी, कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर जो कि पार्शली सॉल्युबल था। इसका इसके बाद हमने देखा थोड़े बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल हुआ, गैस की एवोल्यूशन के साथ जो इंडिकेशन थी एरोमेटिक या हायर कार्बोक्सिलिक एसिड की। FACL3 टेस्ट किया जिससे बफ प्योरिटीज आई, इसका मतलब कि कुछ समवट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, लिपिक एसिड या बेंजोइक एसिड वगैरह हो सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ने और डेरिवेटिव्स ने फाइनली कंफर्म कर दिया कि हमारा कंपाउंड जो है वो बेंजोइक एसिड है। तो ये था प्रैक्टिकल आज का, होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा और हेल्पफुल रहेगा प्रैक्टिकल कॉपी बनाने में। अब तक के लिए इतना ही, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।